हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। और आज कर रहे हैं हम सिक्स क्लास की साइंस का सिक्स चैप्टर चेंजेस अराउंड अस। इससे पहले कि मैं सारे लेसन्स जो हैं वो कवर कर चुकी हूँ अपने वीडियोस में, तो आप उन्हें देख सकते हैं मेरे चैनल पे। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट अ फन वुड इट बी इफ़ यू सडनली गेट सम मैजिकल पावर्स टू चेंज थिंग्स अराउंड यू। कितना मज़ा आएगा अगर हमको कुछ मैजिकल पावर्स मिल जाएँ तो हम अपने आस पास बहुत सारे बदलाव ला सकते हैं अपने मन चाहे। वॉट आर थिंग्स यू वॉन्ट टू चेंज। आपको क्या चीज़ों में बदलना है सोचने लगे ना। वी डू नॉट हैव मैजिकल पावर्स, मगर रियलिटी तो ये है कि हमारे पास कोई भी मैजिकल पावर नहीं होती हैं। बट वी कैन स्टिल चेंज अ फ्यू थिंग्स अराउंड अस। लेकिन फिर भी हम अपने आसपास की कुछ चीज़ों को बदल सकते हैं। परहैप्स मैनी थिंग्स, कुछ चीज़ें नहीं काफ़ी चीज़ों को बदल सकते हैं। कैन यू लिस्ट अ फ्यू थिंग्स यू कैन चेंज अराउंड यू विद नो मैजिक इन्वॉल्व। आप एक लिस्ट बनाओ कि अपने आसपास आप क्या बदल सकते हो, लेकिन उसमें मैजिक नहीं होना चाहिए। मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस ऑन देयर ओन। कुछ चीज़ें तो हमारे आसपास अपने आप ही बदलती हैं, जैसे इन द फील्ड्स द क्रॉप्स चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। जैसे कि फसल जो है वो अपने आप समय दर समय बदलती रहती है। समटाइम्स लीव्स फॉल फ्रॉम ट्रीज़। कभी आपने देखा होगा पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो जब पत्ते गिरते हैं तो उनका रंग भी बदल जाता है और वो सूख जाते हैं। द फ्लावर्स ब्लूम एंड देन वेदर अवे। फूल खिलते हैं और फिर मुरझा जाते हैं। आर एनी चेंजेस हैपनिंग इन योर बॉडी। क्या हमारे शरीर में भी बदलाव होते हैं? येस, योर नेल्स ग्रो, आपके नाखून बढ़ते हैं। योर हेयर्स ग्रो, आपके बाल भी बढ़ते हैं। यू ग्रो टॉलर, और आप दिन ब दिन बड़े होते हो। और जैसे जैसे आप बड़े होते हो वैसे वैसे आपका वज़न भी बढ़ता है। डिड यू रियलाइज अर्लियर दैट सो मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड यू ऑल द टाइम। आपने कभी रियलाइज़ किया है कि आपके आसपास हर वक्त कुछ ना कुछ बदलता रहता है? कैन सम ऑफ चेंजेस बी ग्रुप्ड टुगेदर। क्या कुछ चेंजेस को हम ग्रुपिंग कर सकते हैं? कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड। क्या सारे चेंजेस बाद में रिवर्स होते हैं? चलिए एक एक्टिविटी में देखते हैं। टेक अ बलून एंड ब्लो इट। हम एक बलून को लेते हैं, उसे फुला देते हैं। टेक केयर इट डज नॉट बस्ट। ध्यान रखिए कि वो फट ना जाए, फूट ना जाए। द शेप एंड द साइज ऑफ द बलून हैव चेंज। लेकिन बलून का शेप और साइज बदल जाता है। नाउ लेट द एयर एस्केप फ्रॉम द बलून। लेकिन अब देखते हैं, उसमें से हवा को निकाल देते हैं। सिमिलरली एक्टिविटी टू, टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट एज द शोन इन 6.2 लाइक दिस। यहाँ मैं कैसे क्या फोल्ड करके क्या बन गया है? एक एरोप्लेन। यू मे हैव लॉट्स ऑफ फन इन फ्लाइंग दिस प्लेन। आपको बहुत मज़ा आएगा इसको उड़ा कर खेलने में। वंस यू आर टायर्ड ऑफ इट अनफोल्ड द पेपर अगेन। लेकिन जब खेलते खेलते थक जाओ तो पेपर को अनफोल्ड कर दो। लेट सी मोर एक्टिविटी। एक्टिविटी थ्री, टेक सम डो एंड मेक अ बॉल। आटा लीजिए गूंदा हुआ और उसकी गोल गोल बॉल बना लीजिए। ट्राई टू रोल आउट अ रोटी और फिर रोटी बेलने की कोशिश करिए। मे बी यू आर नॉट हैप्पी विद इट्स शेप एंड विश टू चेंज इट बैक इनटू अ बॉल ऑफ डो अगेन। शायद आपको ना जो बेली हुई रोटी है उसकी शेप पसंद नहीं आई, तो आप चाहोगे कि वापस उसे बॉल बना दो। अ बॉल ऑफ डो एंड रोल्ड आउट ऑफ रोटी। तो ये पिक में देखिए दिया हुआ है कि रोटी बनाई गई है डो से और वापस उसे बॉल बना दिया गया है। नाउ थिंक अबाउट द थ्री चेंजेस यू ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी 1, 2 एंड 3। आपने क्या ऑब्जर्व किया? व्हाट डू दे हैव इन कॉमन। सब में क्या कॉमन था? वाज इट पॉसिबल टू गेट द बलून बैक ऑन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। क्या जो हमने शेप में बलून को फुलाया था बाद में हमें वो शेप वापस मिली? वॉज द साइज ऑफ पेपर सेम एज बिफोर। क्या अनफोल्ड करने के बाद एरोप्लेन साइज ऑफ पेपर में कोई बदलाव आया? या फिर हमने जो रोटी बेली थी उसे वापस डो बना दिया, आटा बना दिया, तो उस बॉल में कोई बदलाव आया? व्हाट डू यू कंक्लूड। आप किस कंक्लूजन पे पहुँचे?
नतीजा ये हुआ, इन ईच ऑफ द थ्री एक्टिविटीज़ इट इज़ पॉसिबल टू गेट बैक टू द मटेरियल विद विच वी स्टार्टेड अवर एक्टिविटी। नतीजा ये हुआ कि जो भी हमने एक्टिविटी की शुरुआत में सामान लिया था, बाद में अंत में हमें वो सामान वापस मिल गया और वो उसी शेप में वापस मिला। इफ़ द आंसर इज़ येस, इट मीन्स दैट द चेंजेस अकरिंग इन दीज एक्टिविटीज़ कैन बी रिवर्स। अगर हमारा उत्तर हाँ है तो इन एक्टिविटीज़ में रिवर्स यानी वापस हमें चीज़ मिल सकती है। नाउ लेट अस रिपीट द सेम एक्टिविटीज़ विद अ डिफरेंस। लेकिन अब हम इन्हीं एक्टिविटीज़ को किसी दूसरे तरीके से करेंगे। लेट्स सी एक्टिविटी 4, टेक अ सेम बलून। हमने जो एक्टिविटी 1 में बलून लिया था, आप उसी को ले लो। विच यू यूज इन एक्टिविटी 1, ब्लो इट फुल साइज एंड टाई इट्स माउथ विद अ स्ट्रिंग टाइटली। उसको फुला लो और उसकी जो पीछे का माउथ है उसको टाइटली बांध दो। फिर एक पॉइंटेड टिप ऑफ पेंसिल लो, नुकीली पेंसिल लो और उससे उसको प्रिक कर दो, छेद मतलब उसमें भोंक दो। उप्स, इट बस्ट, ये तो फट गया। इसी तरीके से एक्टिविटी 5 में उसी पीस ऑफ पेपर का एक एक एरोप्लेन ड्रॉ करो और कट कर लो। एंड थर्ड एक्टिविटी में रोटी को बेलो और बेलने के बजाय बाद उसको तवे पर सेक लो। अब बताओ, क्या हमें वो मटेरियल वापस मिला जो हमें 1, 2, 3 एक्टिविटी में वापस मिल गया था? नो, इट इज़ नॉट रिवर्स्ड। यू कैन यूज़ पेंसिल एंड इरेजर विद रिपीटेड यूज़, देयर शेप एंड साइज चेंज। कैन वी रिवर्स दिस चेंज? क्या हम जो पेंसिल छीलते हैं और इरेजर घिसते हैं, सब करते हैं, क्या वो वापस शेप में मिल जाता है? देखिए, हमारी तरफ, हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे चेंज हैं जो रिवर्स भी हैं और बहुत सारे ऐसे चेंजेस होते हैं जो वापस यानी इरिवर्सिबल होते हैं। यू मस्ट हैव अ सीन अ पॉटर वर्किंग ऑन हिज व्हील। आपने एक पॉटर को देखा होगा, वो अपने चरखे पे मिट्टी के बर्तन बनाता है। तो जब वो क्ले को पॉट पर रखता है तो क्या वो रिवर्स होगी? ठीक है, देखते हैं। क्ले से उसने पॉट बनाया और पॉट बनाने के बाद उसे तोड़ दिया तो मिट्टी हमें वापस मिल गई। लेकिन जब उसने क्ले से पॉट बनाया और उसे बेक कर दिया तो वो हमें वापस नहीं मिला। इसी तरीके से ये देखिए एक लिस्ट दी हुई है, तो इसमें हमें देखना है कि कॉमन चेंजेस क्या क्या हैं। रॉ एग टू बॉइल्ड एग, क्या हमें वो वापस मिलेगा? कच्चा अंडे को हम उबाल देंगे तो हमें वो वापस नहीं मिलेगा। बैटर टू इडली, अगर हम बैटर से इडली बना देंगे तो क्या वो वापस मिलेगी? नहीं, बैटर वापस नहीं मिलेगा क्योंकि वो इडली बन चुका होगा। वेट क्लॉथ टू ड्राई क्लॉथ, अगर गीले कपड़ों को सुखा दिया जाए तो यस, हमें क्लॉथ्स वापस मिलेंगे। वूलन यार्न टू निटेड स्वेटर, अगर हम स्वेटर को बिन दें और स्वेटर को वापस उधेड़ दें तो वूल हमें वापस मिल जाएगी। इसी तरीके से बाकी लिस्ट दी हुई है, अगर आप उसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या चीज़ें रिवर्सिबल हैं और क्या इरिवर्सिबल। कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज, क्या इस तरीके से हम कुछ चेंजेस ला सकते हैं? वी ऑल हैव टू सीन द टूल्स विच आर यूज टू डिग द सॉइल। ये देखिए कुछ टूल्स दिए हुए हैं पिक में 6.6 में, ये टूल्स वो हैं जिससे हम खेती में इस्तेमाल करते हैं। इसमें लकड़ी भी है और लोहे के कुछ शार्प ब्लेड टाइप हैं। वी ऑल हैव सीन द टूल्स, हैव यू एवर सीन हाउ द आयरन ब्लेड इन दीज टूल्स आर फिक्स्ड टू द वुडन हैंडल। कभी आपने देखा है कि लोहे के जो शार्प ब्लेड होते हैं उसमें वुडन हैंडल कैसे लगाया जाता है? आयरन ब्लेड ऑफ दीज टूल्स हैज़ अ रिंग इन विच द वुडन हैंडल इज फिक्स्ड। इसमें रिंग बनी होती हैं जिसमें वुडन हैंडल को फिक्स किया जाता है। नॉर्मली द रिंग इज स्लाइटली स्मॉलर इन साइज देन द वुडन हैंडल। नॉर्मली तो ये जो हैंडल में जो रिंग होती हैं वो थोड़ी सी छोटी होती हैं जिससे हैंडल उसमें जाके फंस जाए। द टू फिक्स द हैंडल द रिंग्स इज हीटेड एंड बिकम स्लाइटली लार्जर इन साइज एक्सपेंड। और उसको फिक्स करने के लिए उसको हीट करते हैं जिससे वो एक्सपेंड थोड़ा सा फैल जाता है और वो जो वुडन हैंडल है वो अच्छे से उसमें फंस जाता है। नाउ द हैंडल ईजली फिट्स इनटू द रिंग, वो आसानी से उसमें फिट हो जाता है। व्हेन द रिंग कूल्स डाउन इट कॉन्ट्रैक्ट एंड फिट्स टाइटली ऑन टू द हैंडल। और जैसे ही वो ठंडी हो जाती हैं रिंग्स जो होती हैं लोहे की, वो कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ जाती हैं और हैंडल को वो अच्छे से टाइटली फिट कर लेती हैं अपने अंदर। सच अ चेंज इज़ ऑल्सो यूज फॉर फिक्सिंग मेटल रिम ऑन द वुडन व्हील।
ऑफ अ कार्ड एज शोन एज 6.7। देखिए यहाँ पर ये देखिए इस फिगर में दिया है, ये वुडन व्हील है, इस पे ये जो मेटल की रिंग है इसको फिक्स करना है। तो इसको गर्म करेंगे हम पहले और फिर इसके ऊपर चढ़ाएंगे, और जब ये ठंडी होगी तो ये इसमें फिक्स हो जाएगी। ये जो बैलगाड़ी होती है उसका व्हील है। अगेन द मेटल रिम इज मेड स्लाइटली स्मॉलर देन द वुडन व्हील। फिर से जो वुडन व्हील है उससे थोड़ी साइज में छोटी होती है ये मेटल रिम। ऑन हीटिंग द रिम एक्सपेंड, जैसे उसे गर्म किया जाता है वो थोड़ा सा फैल जाती है और व्हील पर फिट हो जाती है, और जैसे वो ठंडी पड़ जाती है तो वो सिकुड़ जाती है और व्हील पर टाइटली फिट हो जाती है, जिससे कि फिर वो उससे नहीं निकलती। इस तरीके से जो चेंजेस हैं ये ज़रूरी हैं कि अगर हम कोई चीज़ को हीट करते हैं तो वो एक्सपेंड होती है, अपना शेप चेंज करती है, और अगर वापस वो ठंडी पड़ती है और वो कॉन्ट्रैक्ट होती है और फिर वो उस पर फिट हो जाती है। व्हेन वी हीट वाटर इन अ पैन इट बिगन्स टू बॉयल आफ्टर सम टाइम। जब हम पानी किसी पैन में गर्म करते हैं तो वो थोड़ी देर बाद उबलने लगता है। इफ़ वी कंटिन्यू टू हीट फर्दर द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द पैन बिगन्स टू डिक्रीज। लेकिन अगर हम उसको उसके बाद भी गर्म करते रहें खौलाते रहें तो उसकी जो क्वांटिटी है वो डिक्रीज होने लगती है, वो कम होने लगता है। द वाटर चेंजेस इन टू वेपर इन एक्टिविटी 7 चैप्टर 5 यू हैव ऑब्जर्व दैट वाटर वेपर गेट्स चेंज इन टू लिक्विड वाटर वेन इट इज़ कूल। हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था कि जब पानी उबलता है तो वो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है, और जब वो ठंडा होता है तो वो वापस लिक्विड में बदल जाता है। वी ऑल हैव नोटिस्ड मेल्टिंग ऑफ आइस, हमने उसमें आइस का पिघलना, बर्फ़ का पिघलना भी जाना था। आइस मेल्ट व्हेन इट इज़ हीटेड, जब बर्फ़ को गर्म किया जाता है तो भी वो पिघल जाता है। वॉट डज इट चेंज इन टू, इज़ इट पॉसिबल टू चेंज दिस वाटर बैक इन टू आइस, क्या पॉसिबल है जो पिघल गया है पानी वापस आइस बनेगा। लेट अस ऑब्जर्व सम मोर चेंजेस। यस, ये पानी जो है वापस जमाने पर, फ्रीज करने पर बर्फ बन जाएगा। टेक अ स्मॉल कैंडल एंड अ मेजर इट्स लेंथ विद अ स्केल, एक मोमबत्ती लीजिए छोटी सी और उसको स्केल से नाप लीजिए। फिक्स इट एट अ सुटेबल प्लेस एंड लाइट इट, इसको सही जगह पे फिक्स कर दीजिए और फिर उसको जला दीजिए। लेट इट बर्न फॉर सम टाइम, थोड़ी देर इसको जलने दीजिए। नाउ ब्लो आउट द कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ अगेन, और फिर उस कैंडल को बुझा दीजिए और फिर लेंथ उसकी नापिए। तो आप महसूस करेंगे कि जो वैक्स था वो थोड़ा थोड़ा पिघल गया और इसकी जो लंबाई है वो कम हो गई। क्या ये वापस कैंडल बड़ी हो सकती है? लेट्स सी। इसी प्रकार से हम एक इंसेंस स्टिक यानी धूप बत्ती लेंगे, उसको जला देंगे, थोड़ी देर उसको जलने देंगे जब तक वो पूरी तरह जल ना जाए। व्हाट आर द चेंजेस दैट अकर इन द इंसेंस स्टिक, हमने क्या चेंजेस देखे? स्टिक बर्न टू प्रोड्यूस सम न्यू मटेरियल, वो तो जल गई और उसने कुछ नया मटेरियल बना दिया, जैसे कुछ राख और कुछ गैस। आप देखते हो जब धूप बत्ती जल जाती है उसमें से ग्रे कलर की राख बचती है, ऐश बचती है, और कुछ गैसेस होती हैं जो निकलती हैं। वी कैन नॉट सी दीज गैसेस, हम उन्हें देख नहीं सकते, मगर वो इंसेंस की स्टिक में जो खुशबूदार स्मेल होती है, प्लीजेंट स्मेल होती है, उसे हम महसूस कर सकते हैं। कैन दीज चेंज बी रिवर्स्ड? नो। एंड वॉट अबाउट द चेंज which occurred in the matchstick you used for lighting the candle or incense stick, और जिससे हम इसको जलाते हैं जिस माचिस की तेली से, उसमें भी क्या होता है, एक बार जलने के बाद वो वापस नहीं रिवर्स हो सकती। सो फार वी हैव डिस्कस द चेंजेस अकरिंग इन द गिवन ऑब्जेक्ट इस मटीरियल, वॉट अबाउट द चेंजेस दैट अकर वेन टू सब्सटेंस आर मिक्स टुगेदर। अभी तक जो हमने डिस्कस करे वो चेंजेस तो हमने समझे क्या, लेकिन अगर हम किसी दो पदार्थों को मिला दें तो क्या चेंजेस मिलेंगे? इन चैप्टर 4 वी डिजॉल्व सॉल्ट इन वाटर, हमने चैप्टर 4 में पानी में नमक को घोला था, जो शॉर्टिंग ऑफ मटेरियल वाला चैप्टर था। डू यू थिंक द चेंज अकर्ड इन सॉल्ट एंड और इन वाटर, इट इज़ पॉसिबल टू रिवर्स दिस चेंज, क्या हम पानी में से नमक को वापस निकाल सकते हैं? वेट, इन चैप्टर 5 वी लर्न हाउ टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर, सो कैन वी से दैट द चेंज ड्यू टू डिजॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर बी रिवर्स्ड, हमने लेकिन चैप्टर 5 में पढ़ा था कि ये रिवर्स किया जा सकता है। पहली आस्क इफ़ यू हैव एवर सीन कर्ड बींग सेट,
क्या कभी दही जमते देखा है? अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कर्ड इज एडेड टू वार्म मिल्क। एक ज़रा सा दही, थोड़ी सी क्वांटिटी, एक चम्मच दही को अगर हम हल्के गर्म दूध में मिला दें, द मिल्क इज स्टर्ड एंड सेट असाइड फॉर फ्यू आवर्स एंड वार्म प्लेस। और फिर उसको हम किसी एक किनारे रख दें गर्म जगह पे और कुछ घंटे के लिए छोड़ दें, तो कुछ घंटे बाद दूध जो है वो दही में परिवर्तित हो जाता है। कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? क्या ये रिवर्स हो सकता है? नो, वी फाइंड दैट अ फ्यू वेज टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन अ सब्सटेंस कुड बी बाय हीटिंग इट, बाय मिक्सिंग इट और सम अदर सब्सटेंस। वी ऑल्सो फाइंड दैट सम चेंजेस कैन बी रिवर्स वाइल सम अदर कैन नॉट बी रिवर्स्ड। हमने ये भी पाया कि कुछ चेंजेस जो हैं वो तो रिवर्स किए जा सकते हैं, लेकिन कुछ चेंजेस हैं जिन्हें हम रिवर्स नहीं कर सकते। देयर मस्ट बी मैनी अदर वेज ऑफ चेंजिंग थिंग्स अराउंड अस। लेकिन फिर भी हम अपने चारों तरफ परिवर्तन देखते हैं। इट इज़ पॉसिबल दैट सम ऑफ देम कुड बी रिवर्स्ड। ये संभव है कि कुछ चेंजेस रिवर्स्ड होते हैं। चेंजेस अराउंड अस कुड बी ग्रुप्ड एज दोज दैट कैन बी रिवर्स्ड और कैन नॉट बी रिवर्स्ड। और उन्हें दो समूह में बांटा जा सकता है कि क्या वो रिवर्स्ड हो सकते हैं या फिर वो क्या रिवर्स्ड नहीं हो सकते। In the higher section, you will learn more about the ways in which changes can be made and the way these can be grouped. जो बड़े क्लासेस में जाकर आप हायर क्लासेस में इन चीज़ों को पढ़ेंगे कि इन चेंजेस को हम क्या कहते हैं, कौन से रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं, कौन से इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं। तो ये चैप्टर मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आपको इसमें अगर कुछ समझ में ना आए या कुछ पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड थैंक यू।